कोविड-19 वायरस के संक्रमण और कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए पीड़ित व्यक्तियों तक समय से इलाज व दवा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से औषधि निरीक्षक व जनपदीय पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर प्रभावी रूप से निगरानी के तहत 11 मई को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की सूचना को गंभीरता से लेते हुए ड्रग विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 व्यक्तियों को धर्मशाला ओवरब्रिज के नीचे 2 वायल रेमडेसिविर इंजेक्शन भरा हुआ व 1 वायल खाली रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अभियुक्त रेमडेसिविर इंजेक्शन को निर्धारित खुदरा मूल 1,299 रुपए के बजाय 9,000 रुपए प्रति वायल में बेचा करते थे। इनकी पहचान संजीत कुमार गुप्ता पुत्र कैलाश गुप्ता निवासी चंद्रपुर खास थाना रामकोला जनपद कुशीनगर व दीपक चौरसिया पुत्र स्वर्गीय राघव चौरसिया निवासी ग्राम धसकी कौड़ीराम थाना बासगांव के रूप में हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा। धन्यवाद। और एक दीपक चौरसिया है धसकी कौड़ी रामबास का। करते क्या थे कि ये लोग स्टाफ नर्स थे और जो भी मरीज को रेमडेसिविर लगाना होता था उसमें से कुछ चुरा करके ब्लैक में बेचते थे। 1,299 रुपये की जो वाइल होती थी वो ये 9,000 रुपये में बेचते थे। तो हमने इन्हें इनसे बरामद किया है, 2 भरी हुई रेमडेसिविर और 1 खाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की वाइल बरामद की है और उन पर मुकदमा करके इनको जेल भेजा गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर कितने लोग पकड़े हैं? 2 लोग पकड़े गए हैं।